मैक्स कैसेट कंपनी की तरफ से सज्जन साहबानों के सामने किस्सा पेश है गोपीचंद का पहला भाग। कि एक समय की बात है, धारा नगरी में गोपीचंद राज कराया करते। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनकी 16 रानी और 12 कन्या थी। सबसे बड़ी रानी का नाम पाटमदे था। एक दिन की बात, दिन में प्रजा से निमट कर रात को जब राजा और रानी सोए हुए थे महल में, तो रात को पाटमदे को सपना आया और वो सपने को सुबह सुबह उठते हैं अपने पति गोपीचंद की स्त्रियां बताने लगी कि मैंने किसा सपना आया भला। ये सपने के माँ मेरे पिया मने कान पड़ाए दिखाओ, फिर मांगता भीख हाथ में चोरी ठाए दिखाओ। सकले पहचाना हो देख के सकले पहचाना, ये सारी रोके तेरे गल में कलगी करके मैं दंग ताना। 16 रानी मोस बैठा दी तेरे घरा उतरे रहा थाना हो खुले केस पड़े तेरे सिर के, खुले केस पड़े तेरे सिर के, मन लटा बधाए दिखाओ। एक
करे न टाला। फिर तम बोले मैं भजन करू मने ले राम की माला हो ले राम की माला। ताज तारे के धरा तकत पे चलक चढ़ाए जाओ तेरे मांगता
बात सुनिए पात से। गोपीचंद कहन लग्या रानी पाटम दे दी के बावली ये तो सपने तो सपने हो अगर को साच बात हो रहा है अगर न्यू बोली के ना महाराज मैंने कुछ अशुभ सह सपना दिखा है। जब नहीं उसके दिमाग पे ये सोच गई तो आखिर में गोपीचंद अपनी पटरानी पाटम दे दें के समझाने लग गया बोला न्यू बोलिया रे के सपने की बात रात में जंजाल दिखाई दे जा सपने के मानस काक दे ताल दिखाई दे जा ये सपने की समाधि करे तपस्या चाहना रहना धनी की सपने के माँ ब्याह हो जाते ताई हो जमन की सोया मानस मरे बराबर सोती रहना तन की सपने के माँ भरा खीर का सपने के माँ भरा खीर का थार दिखाई दे जा सपने के माँ मानस का कटे थार दिखाई दे जा मरिया जा
सपने के माँ सारा रंग ढंगी, सपने के माँ सारा रंग ढंगी, ब्याह की ढाल दिखाई दे जा, सपने के माँ मानस का गद काल दिखाई दे से कौन
के भर्तरी अपने भाई विक्रम को राज देके और जंगल में चल देता है साधु बाणा करके। जब वो घूमता फिरता अपनी बहन जड़े उसकी बहन ब्याना ब्यारा की मैनावंती उसके दरवाजे पर जागा लख जगाई, लेकिन मैनावंती अपने भाई को पहचान लेती है भगमा बाणे में देख के। और के आपस में बाण भाइया के सवाल जवाब हो बोला, दुनिया की हर में सुर्ती लाई, हर में सुर्ती लाई, राज पाठ दिया छोड़ भर देरी दुकान पड़ा लिए भाई, ये दूर पदार्थ कर दुनिया के सवाल जवाब होने लगे भला। तने भरतरी किसी मोटी हाँ
जा इसी अमर कहानी कर दी, इसी अमर कहानी कर दी। तेरे बकरम भाई रोवेगा दुखी पिंगला रानी कर दी, ये दुखी करीना उस पिंगला की अकल स्याणी कर दी, अकल स्याणी कर दी। तेरे मैं मर जाएंगी जाइए इस समय तेरी भलाई, इस समय तेरी भलाई। ये मत बने कोई की
भरतरी तो अपनी बहन मैनावंती को समझा बढ़ा के कि वाण मेरा तो रंग रंगिया ही भगवान की श्रुति में लाएगी, चला जाता है। और इधर से जब सुबह सुबह उसकी माँ ऊपर छज्जे पर खड़ी और नीचे गोपीचंद अपना पाटला पाटड़ी बिछा के नहाने के लिए कपड़े निकाले, पानी रखा हुआ था तो पानी उसने अपनी कमर पर जब तक गिरा नहीं था सिर पे, एक उसकी कमर पर बूंद लगी आने के, ये बूंद लगते हैं और एकदम चोर भोर सा हो गया गोपीचंद और के कहने लगा भला वो एक गोपीचंद होया प्यार नहाने चौकी तुरंत बिछाई घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई गोपी चंद होया प्यार नाने में चोटी तुरत बिछाई।
दुख क्यों मान रही तेरे किसने बोली मारी मिनट की है देर नहीं करो धड़ते गर्दन न्यारी धड़ते गर्दन न्यारी और होया हाल बेहाल तेरा तू जीवन का केर
अपनी मां ने रोती उड़ने देख के उसके धोरे चले गया। जाग कहने लग गया कि मां तू क्यों रो से बात की से। लेकिन उसकी मां कुछ नहीं बोल रहे मुंह से। गोपीचंद ने भी कहे किसी दास दासी ने कह दिया हो या कोई ऐसी रानी लड़ी हो, जुड़सी रानी लड़ी हो, इब्बा बता दे, इब्बा शीश काट दूंगा उसको। और के सवाल जवाब होने लगे मार बेटे के भला। हरी नाते जल जारी क्यों से, ये हरी नाते जल जारी क्यों से, ये आ गया मा ख्याल तने। नाना छोड़ के चने आया गोपी चंद तेरा लाल तने, अब नाते चले जारी क्यों से, के आ गया मख्याल तने। नाना छोड़ के पूछने आया गोपी चंद तेरा लाल तने, नाते चले गोपीचंद और दूसरी गली में गोपीचंद की मां मैनावंती स्त्रियां सवाल जवाब करते चला। ये साची साच बता दे माता, साची साच बता दे माता, कौन सी से तन मकाली, तेरे मुंह का थूक सूखता आवे, चेहरे की जड़की लाली, और सबक सबक तन तन में ठाली, सबक सबक तन तन में ठाली, सो सो मन की चाल तने, नारा छोड़ के तू
तेरे लोकी का नाथ फैसला सही करेगा आपस का। दुनिया के मैं बेदी रह से सब किए वो नसी नसी का। मरना जीना किसके बस का, मरना जीना किसके बस का। माँ के क्रिया सवाल तने नाना छोड़ के पूछने आया, गोपी चंद तेरा लाल तने नाते तलदारी क्यों से के आ गया मचाल तने छोड़ के पूछने आया, गोपी चंद तेरा लाल तने। वही गोपी चंद की उसकी माँ की ते गोपी चंद की माँ मैणावंती कहने लगी कि बेटा तेरे बाप का भी शरीर कदे न्यूए सुनने की तेरी दम क्या करता, और वो माटी में मिल गया। राख होगी उसकी जड़ के ढेरी। न्यू बोली चाल तेरा मामा भरतरी आ रहा से उड़ा अमर कराऊंगी तने। ये बात सुनकर गोपी चंद ने बोला रही माँ जो इस आया है इस मृत लोक में अमर कोई नहीं है, और एक बात के द्वारा के कहने लग जा बोल्यारी मेरी मात राण दे हरी तेरान दे मने मत न्या जोगे देवा वे मेरी मा तेरान दे मन ने जोग ले लिया मेरे सिवाय और दूसरा
भाई को सह नहीं मेरा, कौन राजपाठ में संभालेगा, की कहने लग गया भला। हरी अगत की बेल साधु आले दुख माता में जो कर लो काया पे जील Ready?
नाते फिर पाछे पछतावे मेरी हरी तेज चालती ओ नारी सब छोड़ जा तक हजारा ने राम कुटुम तेज दोल सफर बंदूक तोप तलवारा ने दरबार कुटुम कढ़ के ले कोठ इन मंदिर महल चौबारा ने जगन्नाथ समझा